विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को बहुमत, लेकिन हरियाणा में बीजेपी का सरकार बनाने का सपना टूटा। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। 10 सीटें जीतकर दुष्यंत चौटाला किंग मेकर बने। हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी ने निर्दलियों से बात की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज इस्तीफा सौंपकर फिर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। 31 सीट जीतकर कांग्रेस हरियाणा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, कांग्रेस सरकार बनाएगी। दिल्ली में जेजेपी की बैठक आज। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कई दिग्गज मंत्रियों की हार। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला भी चुनाव हारे। 17 राज्यों की 50 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में भी बीजेपी को झटका। गुजरात में बीजेपी उम्मीदवार अल्पेश ठाकुर चुनाव हारे। जम्मू कश्मीर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव में निर्दलियों ने बाजी मारी। 307 ब्लॉक में से 217 ब्लॉक में निर्दलीय और 81 ब्लॉक में बीजेपी जीती। आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को राहत नहीं। ईडी रिमांड 30 अक्टूबर तक बढ़ी। और बांग्लादेश के खिलाफ टी20 और टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। शिवम दुबे पहली बार टी20 टीम में। संजू सैमसन को 4 साल बाद मौका मिला। टी20 में विराट कोहली को आराम देते हुए रोहित शर्मा को टीम की कमान।